कपकोट विकासखंड के ग्राम चचई में बच्चों के बीमार होने तथा उनकी मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत दिवस भी एक बच्चे की मौत के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सकते में है। जिलाधिकारी विनीत कुमार के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने परीक्षण के लिए एक टीम गांव भेजी है। यहां बता दें कि चचई गांव में बीते दिनों कुछ बच्चों के गले में दर्द होने की शिकायत हो रही है। गले में सूजन के उपरांत उनकी मौत हो जाती है। ग्रामीणों सहित चिकित्सकों के लिए भी बच्चों की मौत हैरान करने वाली है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं। शुक्रवार को भी कुछ बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस बीमारी से अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। हालांकि विभाग ने यह स्पष्ट किया कि बच्चों में कोरोना महामारी के कोई लक्षण नहीं है। देखिए मैम, मैं ग्राम पंचायत चचई से, मेरा नाम दीवान है और ब्लॉक कपकोट, तहसील कपकोट, और हमारा गांव कपकोट से 15 किलोमीटर दूराई में है। बागेश्वर से भी सेम 15 किलोमीटर दूराई है। जैसे बीच का सेंटर हमारा एरसिला है 11 किलोमीटर में, तो उससे एरसिला से हमारा 5 किलोमीटर का दायरा दूराई है। तो वहाँ पे हमारा जैसे 1.5-2 महीने पहले से बच्चों को हल्का बुखार, गले में सूजन, और सूजन के साथ उनको बुखार, जाड़ा लगना, और कई जैसे स्टार्टिंग में हमारे 4-5 बच्चों को हुआ था। हमने यहाँ पे सरकारी में भी दिखाए 2-4 बच्चे, और 5-7 बच्चे पांगजी जी के वहाँ दिखाए, जिसमें से हमारे 4-5 बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, और उसमें से 3 बच्चे की हमारी मृत्यु हो चुकी है। उनमें से जैसे एक बच्चे लड़की हमारी 13 साल की ख़त्म हुई, उसके बाद 15 दिन के गैप में 14 साल का लड़का ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद हमारा आज 10-12 दिन के गैप में तीसरा बच्चा ख़त्म हो गया। तो हम लोग बहुत डरे हुए हैं। आज भी कई बच्चों में ऐसा है, मतलब 10-12 बच्चों में गले में सूजन है, जिनको हम लगातार बागेश्वर जी मैम, गले में सूजन, दर्द बता रहे हैं, वो सूजन टाइप में है। बच्चे ना पानी पी पा रहे हैं, खाना तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पी पा रहे। अब एक तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल भी नहीं पा रहे हैं, और उन बच्चों के साथ भी दिक्कत है हमारी, और हम लोग परेशान हैं। हम निवेदन करते हैं भाई शासन प्रशासन और लोगों से कि अपनी स्वास्थ्य विभाग, मैं सेमू साहब से भी निवेदन करता हूँ, माननीय जिला अधिकारी महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे गांव में ध्यान दीजिए जाए, और हमारा स्वास्थ्य प्रशिक्षण करके हमें, मतलब कौन सी बीमारी है ये हमें उससे, मतलब हमारा मन का भय जो है उसको दूर कर दिया जाए। मैम हमारे वैसे पूरे ग्राम पंचायत में तो 350 परिवार हैं। जिस एरिया में ये दिक्कत है वहाँ पे 100-150 परिवार रहते हैं। छोटे बच्चों को मैम लगभग अभी मतलब 8 या 10 बच्चों को गले में सूजन है अभी भी हमारे बच्चों। जी मैम, डॉक्टर क्या बता रहे हैं कि किस तरह के हैं? मैम अब डॉक्टर तो हमारे 150 की सैंपल ले गए थे उस टाइम, उन्होंने बोला भैया आपके पानी में बैक्टीरिया है। हमने जो भी पीने वाली टंकी है, छोटे चैम्बर से लेकर बड़े जो पेयजल के थे या शौच जल थे, जो भी टंकियाँ थी हमारी पीने वाली, उसकी सफाई करके, पूरे ग्राम पंचायत ने सफाई करके और उसमें दवाइयाँ डाल के पूरा पानी बिल्कुल सफाई, पाइपलाइन साफ कर दिया, फिर भी हम पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चों के गले में दर्द। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप लोग हमारी सूचनाएँ दें शासन प्रशासन को, और माननीय जिला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के सेमू साहब को, और माननीय विधायक जी, हमारे गांव में ध्यान दिया जाए, हमारे गांव की समस्या दूर कर दी जाए। बच्चों की गले में दर्द हो रहा, उसके बाद उनकी मरने की सूचना आ रही है, क्या टीम भेजी गई? ये पहले 3 लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पे, एक व्यक्ति 50 साल के थे और 2 बच्चे थे, कल फिर एक बच्ची की डेथ हुई है, तो उसके लिए हमने टीम भेजी है वहाँ पर, फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन की टीम भेजी है, वो वहाँ पर जाँचें कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोविड संबंधित जितनी भी जाँचें पिछली बार भी टेस्ट करवाए थे वो सब नेगेटिव आए हैं, तो अब रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास, तो फिर देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, उसी के लिए टीम भेजी गई। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।